हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, जो ST SC लोगों के साथ जो भी एक तरह से अपराध होते हैं उन्हीं की लिस्ट उन्हीं के बारे में बताया जाता है इसमें। तो इस बारे में हम लोग बाद में जानते हैं, पहले एक ST SC के बारे में सामान्य जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आपका अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित है, यानी कि SC से। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ठीक है, संविधान में उल्लेख है इनका। और आप देखते होंगे कि लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है आर्टिकल 330 के तहत, SC और ST दोनों लोगों को, किसमें, आर्टिकल 330 में। आपने देखा होगा कि 332 के तहत विधानसभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है इन लोगों के लिए, और इनके लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी बनाया गया है और अनुसूचित जनजाति आयोग भी है। आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, और आर्टिकल 338 का यानी कि ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है। एक तरह से इन्हीं की स्थिति सुधारने के लिए आपने देखा होगा कि ST SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1993 भी आया हुआ था। ये आपका 18 सितंबर 1989 में राष्ट्रपति की सहमति मिली और 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पहले MBBS में पूछे जाते थे प्रीलिम्स में, लेकिन अब सिलेबस बदल चुका है। देखिए, अभी नए सिलेबस के अनुसार अभी कोई पेपर भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में कह भी नहीं सकता हूँ कि क्या पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखते थे जो भी एक्ट थे इनसे बहुत खास मार्क, अच्छी संख्या में क्वेश्चन आते थे। चलिए अब इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा हाल ही में जारी भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की अपेक्षा 2019 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में क्रमशः 7.3 और 26.5 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कहने का मतलब है कि अनुसूचित जातियों के साथ SC के साथ 7.3% की पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अनुसूचित जनजातियों के साथ बात करें तो 26.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है एक साल में। तो इसीलिए तो आप देखिए कि अभी भी आप देख, भले ही आपको 1947 में आजादी मिल गई हो, लेकिन उस दिन हमें आजादी नहीं मिली थी, हम लोग एक तरह से अपने आप पर डिपेंड होने की कगार में मतलब चल पड़े थे रास्तों में। अभी भी आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, या ST SC के साथ अभी भी किसी गांव में जाएंगे आप तो इन्हें मतलब वहां से जाना होता है, इन जो भी ST SC की महिलाएं होती हैं तो वो अपने मतलब चप्पल भी यानी कि पैर में चप्पल जूता भी नहीं पहन के निकल सकते हैं, इतना भेदभाव किया जाता है, समझ रहे हैं। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर जाति ना होती तो आप सोचिए आरक्षण, मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ती। कई लोग बोलते रहते हैं आरक्षण गलत है, आरक्षण गलत है, कभी इनकी मैं नहीं कहता हूं कि ठीक है, देखिए आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पे मिल रहा है, ठीक है वो बात, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जगह आप अपने आप को रख कर देखिए फिर सोचिए कि आरक्षण गलत है क्या है। एक तरफ आप देखते हैं कि एक ST SC का बच्चा कोई भी जनजाति क्षेत्र में रह रहा है, वहां उसे पढ़ाई लिखाई में किस तरह का क्या मिल रहा है आप देखते हैं, एक तरफ आप देखते हैं, दूसरी तरफ की वो क्या स्थिति देखते हैं कि एक VIP लड़का जो VIP स्कूलों में पढ़ रहा है उसकी स्थिति और उसकी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए आरक्षण, क्योंकि आप देखते हैं जनरल में भी कई ऐसे मिल जाएंगे, OBC में और ST SC सब में मिल जाएंगे ऐसे कि जो बहुत बुरी स्थिति रहती है, पढ़ाने की छोड़ी घर में खाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है। ये अच्छी बात है कि 10% आपने देखा है कि सामान्य लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इनमें अपराधों की बात करें तो अभी भी इनमें अपराध बढ़ती ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कई क्षेत्रों में। अनुसूचित जातियों के संबंध में बात करें तो भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों ST SC के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल 45,935 मामले दर्ज किए गए हैं, और वर्ष 2018 की अपेक्षा 2019 में इस प्रकार के अपराधों में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक बात और बताऊं, NCRB आपकी महिलाओं के साथ भेदभाव की रिपोर्ट भी निकालता है, लेकिन इसमें वही आंकड़े दर्ज किए जाते हैं जो रिपोर्ट लिखी जाती है, समझ रहे हैं। अब सोचिए महिलाओं के साथ प्रताड़ित या भेदभाव तो मतलब हर मिनट में हजारों महिलाओं के साथ हो रहा है, लेकिन वो क्या शामिल किए जाते हैं, नहीं। आप देखते हैं अधिकतर मामले या तो घर में रफा दफा हो जाते हैं या समाज में उन्हें मतलब दबा दिया जाता है। बहुत मुश्किल से आप सोचिए कि अगर
10,000 पर एकाध दो मामले अगर केस दर्ज हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आप देखते हैं कि हमारा समाज मतलब कितना मतलब वो है कि समाज लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या क्या इस तरह की बातें भी उठने लगती हैं। ठीक है, तो ये आपकी केवल जो रिपोर्ट लिखी गई उन्हीं आंकड़ों को लिया गया है, और इनके साथ दूसरी तरह से अगर भेदभाव होते हैं भी अलग बात है, जो रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है। 2018 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल मामले कितने थे? 42,793 मामले दर्ज किए गए थे, इस बार 45,935 हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में 11,829 में दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राजस्थान बिहार का नंबर आता है। यहाँ क्रमशः 6,794 और 6,544 मामले सामने आए। अनुसूचित जातियों एससी से संबंधित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान सबसे शीर्ष यानी कि टॉप पर रहा है। वहां ऐसे कुल 554 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान, जहां क्रमशः 537 और 510 मामले दर्ज किए गए। राजस्थान टॉप पर रहा है महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में एससी यानी कि अनुसूचित जातियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश 537 और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये तो वो आंकड़े हैं जो एक तरह से रिपोर्ट लिख ली जाती है, बाकी कितने आंकड़े हकीकत हैं वो आप जमीनी स्तर जानते हैं, बेहतर जानते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? मतलब भले ही आप कहिए कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी सोच से, दिमागी क्षमता से, हम अपनी संस्कृति से, परंपरा से, जो मतलब भारत की एक पहचान थी, भारत माता, उनकी आत्मा, वो हम उससे दूर हटते जा रहे हैं। देखिए, एक इंसान का मतलब आप सोचिए, एक इंसान में मानवता ना हो, इंसानियत ना हो, और वो जी रहा हो, तो क्या कोई मतलब रहता है? पड़ोस में क्या घटना घट रही है, नहीं घट रही है, क्या कोई कुछ याद रहता है? तो ये ऐसा ही मामला है कि एक समय हमारा भारत अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत रहेगा। देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ये रहेगी, लेकिन जो एक तरह से आत्मा है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि यूपी में अभी आपने घटना देखी हाल ही में, किस तरह से मतलब आप सोचिए, प्रशासन ही हिटलर की तरह काम करने लगा है, समझ रहे हैं? मतलब एक लोकतंत्र आपने देखा है, अभी लोकतंत्र इंडेक्स भी आते रहते हैं, उसमें हमारी स्थिति बहुत बुरी गिरती जा रही है। ये मतलब आंकड़े इन्हीं को लेकर आप एक तरह से कहिए कि लोकतंत्र की बात करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करके इन्हें आधार दिया जाता है कि बोल रहे हैं कि आजादी नहीं है। हमें आजादी मिल चुकी है, लेकिन हम कहाँ आजाद हैं? एक तरह से आप कह सकते हैं 1947 से प्रोसेस चालू हुआ था कि आगे बढ़ते रहेंगे और आजादी मिलती रहेगी, लेकिन इस तरह का कुछ अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनुसूचित जातियों की प्रति जातियों जाति की प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर वर्ष 2018 की 21.2 से बढ़कर 2019 में 22.8 हो गई है। वर्ष 2019 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हुए अपराध के कुल मामलों में से 28.9 मामले 13,373 साधारण चोटों से संबंधित हैं। अगर हम अनुसूचित जनजातियों के संबंध में बात करें तो वहीं दूसरी ओर 2019 में एसटी यानी कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल 8,257 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2018 की तुलना में 26.5% की बढ़ोतरी है। 2018 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल मामले कितने रहे थे? 6,528 मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों जनजाति माफ करिए अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के सबसे अधिक मामले 1922 दर्ज किए गए हैं। कहने का मतलब है कि आप देखिए, अनुसूचित जनजातियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में, ये 1922 मामले दर्ज किए। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान उड़ीसा का नंबर आता है, यहाँ क्रमशः 1797 और 576 मामले दर्ज किए गए। और आपने कुछ समय पहले आप एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वहां आपने देखा है कि पुलिस प्रशासन ही उन पर एक तरह से अत्याचार कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब वही है कि जिन्हें हम अपना रक्षक समझ रहे हैं वही भक्षक का काम कर रहे हैं। तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो जनजाति है, देखिए उनका आप देखिए आजादी के पहले भी आप लोग देख सकते हैं कि राजा महाराजा हुए हमारे देश में, लेकिन किसी ने उनके क्षेत्र से मतलब छेड़छाड़ नहीं किए। अंग्रेजों के समय से आप देखते हैं कि वो जिस भी वन क्षेत्र में रहते थे उनके अधिकारों को छीना गया है, तो आज भी वो अपने पारंपरिक तरीके से रहते हैं, तो वहां पुलिस द्वारा एक तरह की कार्रवाई कर देते हैं, समझ रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वही हाल है कि वो नेताओं से तो देखिए इनकी पुलिस वाले
पुलिस वाले एक तरह से भिड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से आप समझते हैं कि उनकी औकात दिला देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कमजोर का देखते हैं एक तरह से, कमजोर पर। आप देखिए जितने भी मामले करेंगे ये लोग धौंस अपनी देंगे कमजोर पर देंगे। अपने से ज्यादा वही है कि अपने से ज्यादा की विरोध दे, मतलब आवाज उठाने की जिसकी हिम्मत नहीं है वो जाके नीचे वाले के कान मरोड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तो गलत है। अब क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों और अत्याचारों में सबसे बड़ी संख्या असाधारण चोटों की थी, जिसमें कुल 1675 मामले दर्ज किए गए, जो कि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल मामलों का 20.3% है। इसके बाद आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों की बात करें तो 1110 मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 10.7% है। वहीं 2019 में महिलाओं पर हमले और मारपीट के 880 मामले दर्ज किए गए, जो कुल मामलों का 13.4% है। आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की सबसे अधिक घटनाएं 558 घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान आता है, जहां क्रमशः 180 और 114 घटनाएं दर्ज की गई हैं। एक बात और आपको बताऊं, सबसे बुरी स्थिति उस समय हमें, मतलब हमारे एक तरह से ठेस पहुंचती है सब, कि जब इसमें राजनीति का, आप सोचिए कि यूपी में जो भी हुआ है, देखिए किसी भी माँ बहन के साथ होता तो मुझे लगता है कि कोई सपोर्ट ना करता, समझ रहे हैं। किसी की आत्मा अगर अपने अंदर झांक के देखे तो कोई उस पर, एक तरह से उन लोगों का जिन्होंने दुष्कर्म जो भी किया है उसके साथ घटना हुई घटी हुई है, उनका साथ कोई ना देता अगर अपने अंदर आत्मा की आवाज सुन लेता। लेकिन आप कहते हैं कि वो इस समय कुछ नहीं होता है, इंसानियत इंसानियत सब किताबों में अच्छी लगती है। मतलब सोचिए कि उस लड़की की मौत पर भी, रेप पर भी एक तरह से राजनीति तुम्हारी शुरू हो गई, वोट बैंक की राजनीति। तो इससे ज्यादा राजनीति में कहाँ गिर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी, मतलब एक तरह से सोचिए हम कहाँ गिर सकते हैं नीचे, ये तो एक तरह से बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं। खैर छोड़िए, अब क्या करें। समग्र अपराध के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 19 में कुल 51,176,172 संज्ञेय अपराधों के मामले दर्ज किए गए, जिसमें आपके 32,25,701 मामले भारतीय दंड संहिता की जो आईपीसी के तहत थे, और जबकि 19,23,471 मामले केंद्र और स्थानीय स्तर के विशेष कानूनों के तहत दर्ज किए गए। इस प्रकार वर्ष 2019 में कुल अपराधों के मामलों में 1.6% की वृद्धि हुई है। और आंकड़ों के अनुसार 2019 के दौरान हत्या के कुल 28,918 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 में हत्या के कुल 29,019 मामले सामने आए थे। इस प्रकार 2019 से 2018 की अपेक्षा हत्या के मामले में 0.3% की मामूली सी कमी देखी गई है। वर्ष 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 405,861 मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या वर्ष 2018 में दर्ज मामलों की संख्या से आपकी 7.3% अधिक थी। ठीक है, कितनी, 7.3% से अधिक थी। 3 लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक दर असम में दर्ज की गई, कहां, पूर्वोत्तर राज्य असम। रिपोर्ट बताती है कि 2019 में साइबर अपराध में कुल 63.5% की वृद्धि देखने को मिली है। 2019 में 2018 में साइबर अपराध के कुल 44,546 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में इन मामलों की संख्या 27,248 थी, यानी कि 2019 में बढ़ोतरी देखी गई है एक तरह से। कुछ और पुलिस सुधार की वकालत करने वाले समूह राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के संबंध में कहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण कार्रवाई से संबंधित काफी कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि एससी एसटी समुदाय के साथ होने वाला भेदभाव सही ढंग से इन आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया। अब आपको समझ में आए, आप खुद उठा के देखिए 5-10 साल की, जब तक आपको देखना है, किसी ऐसे व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति को फांसी हुई है, किसी ऐसे व्यक्ति को तगड़ी सजा मिली है, जो मतलब आप सोचिए कोई भी एक तरह से कोई भी गलत काम कर दिया है और उसका शासन का, यानी कि सरकार उसके साथ है, तो मुझे लगता है वो बच जाता है आसानी से। यूपी में आपने कुछ समय पहले एक विधायक जी को देखा था, उसे मतलब आप सोचिए कि सब कुछ था एक तरह से,
सब मतलब आंकड़े आपके ये जो भी कहना हो आपको, फिर भी उसे बचाया जा रहा था। यह दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एक बात और आपको बता दूं, आपको रिपोर्ट के ही आंकड़े हमेशा यूज करना है। आपको जो रिपोर्ट में आंकड़े दिए जाते हैं वही उपयोग करना है, आंसर राइटिंग में कहीं भी आपको आ रहे हैं। हकीकत क्या है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने आंसर में कभी भी समाहित मत कीजिएगा। जो रिपोर्ट आती है, सरकार निकाल रही है, कोई भी एजेंसी निकाल रही है, उसी को हमेशा याद करके उसी को प्रयोग करना है। अभी आपने देखा है कि हकीकत क्या है, हकीकत तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। अभी आपने देखा है यूपी में जो भी अभी हाल में ही घटना घटी, इसमें किस तरह से आप डीएम और जो भी कलेक्टर साहब वहाँ डीएसपी साहब हैं वो किस तरह से आप सोचिए कि मतलब उस परिवार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरह के तो दबा दिए जाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कि उठने ही नहीं दिए जाते हैं, वहीं खत्म कर दिए जाते हैं। आपने वीडियो भी वायरल हुआ है डीएम साहब का, देखा भी होगा। क्या एसटीएससी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम ये क्या है, इसके बारे में हमने बात की ना, 1900 अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित लोगों के उत्थान हेतु तमाम सामाजिक आर्थिक प्रयासों के बावजूद इन वर्गों के लोगों की समस्याओं को सही ढंग से संबोधित कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ऐसी स्थिति में संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया और फिर यह राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया था। उस समय की जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। अब तो आप देखेंगे कि वो सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों में होते हैं लगते हैं, वही अब जम्मू कश्मीर में लगेंगे, अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है। इससे पहले स्थिति ये थी कि कई प्रावधान हुआ करते थे कि जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, ठीक है, फॉलो नहीं करते थे जम्मू कश्मीर। यदि गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित संबंध रखने वाली व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध यह कानून कार्य करता है। साथ ही ऐसे मामलों के लिए इस कानून के तहत विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं जो इस प्रकरण में तुरंत निर्णय लेते हैं। याद रखिए जब आपका एमपीपीएससी पेपर था उस समय हम लोगों ने काफी डिटेल से इसे पढ़ा भी था, तो आप जाके देखिए एमपी स्पेशल जीके में दला भी हो गए, ये सभी क्लास है आपकी। आगे की राय की बात करेंगे हम लोग। यद्यपि स्वतंत्र भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और अत्याचार पर अंकुश लगाने हेतु कई उपाय किए गए, किंतु इनके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। सरकार द्वारा बनाए गए तमाम तरह के कानून इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि केवल कानून के निर्माण से इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा, रोजगार और अन्य तमाम माध्यमों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का सामाजिक आर्थिक उद्यान कर समाज में उनका आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा कानून के सही ढंग से कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इन कानूनों को उचित पालन सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी, देखिए, और एक समय हमेशा एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिस समय आप लोग वोट करते हैं उस समय अपने लोकल नेता को देखा करिएगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। आपको राष्ट्रीय पार्टी से कोई मतलब ही नहीं रहने चाहिए, कौन राष्ट्रीय पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, आपके लोकल नेता हमेशा आपका साथ देता है, तो जो आपके साथ एक तरह से सबका ख्याल रखता हो उसी को आपको वोट देना चाहिए मेरे मान, क्योंकि आप समझिए आप पर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो कम से कम वो साथ तो देगा, आपके साथ खड़ा तो रहेगा। और आज वही आप लोग परिणाम भुगत रहे हैं। आप लोगों ने 70 साल एक चिन्ह देख के दिया कि इस चिन्ह पर ये चिन्ह, अच्छा ये राष्ट्रीय पार्टी ये उसकी पार्टी है, तुमने तुरंत ठोक दिया, उसका परिणाम आपने 70 साल तक भुगता। उसके बाद आपने देखा है कि दूसरी पार्टी आई, उसने आपने कहा लीजिए, अच्छा ये उनकी पार्टी है, इस पर ठोक दीजिए, सो उसी का परिणाम आप भी भुगत रहे हैं। तो ये हाल है। चलिए खैर छोड़िए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए, क्या कर सकते हैं।